नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूड रॉइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये यहाँ जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये है रेनो की डस्टर, सदाबहार डस्टर। इस गाड़ी का जब मैंने लास्ट रिव्यू किया था तब ये मेरे पास लॉन्ग टर्म गाड़ी के तौर पर थी और इसे मैंने लगभग 4-5 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद एक बड़ा ही डिटेल रिव्यू किया था जहाँ पर मैंने इसका AMT वेरियंट चलाया था और आपको बताया था कि क्यों ये गाड़ी अच्छी है या बुरी है, इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या है। उस वक्त इस सेगमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, केवल क्रेटा इसका एक बड़ा ही सॉलिड कॉम्पिटिटर हुआ करता था। लेकिन पिछले 1-1.5 साल के अंदर इस सेगमेंट के अंदर मानो व्हीकल्स की मॉडल्स की बाढ़ ही आ गई है। आपके पास हैरियर है, आपके पास हेक्टर है, आपके पास सेल्टॉस है, आपके पास निसान किक्स है। इन सब गाड़ियों के आने के बावजूद भी मेरा ये मानना है कि रेनो डस्टर जो है ये इस सेगमेंट में एक विशिष्ट स्थान रखता है। गाड़ी में जिन चीज़ों की ज़रूरत एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन संदर्भ में ज़्यादा होती है, उन चीज़ों को ये पूरी तरह से परिपूर्ण करता है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही इकोनॉमिकल गाड़ी है और आप में से जो लोग एक बड़ी ही प्रैक्टिकल या इकोनॉमिकल गाड़ी ढूंढ रहे हैं उनके लिए मेरे ख्याल से आज भी बहुत ही सार्थक है। ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। और ये रिव्यू शुरू करने से पहले मैं ज़रा आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो मैकेनिकल्स है, सस्पेंशन है, इंजन है, ट्रांसमिशन है, ये सारी चीज़ें पहले जैसी ही हैं। लेकिन 2019 के अंदर ये मेजर फेसलिफ्ट यहाँ पर आया था और ये 2019 के एंड में आया था और कुछ व्यस्तता के चलते हम लोग ये गाड़ी नहीं चला पाए थे। लेकिन आज मैं आपको इस गाड़ी के बारे में सब कुछ बताऊंगा, डिज़ाइन में क्या चेंजेस हुए हैं, फीचर्स में क्या चेंजेस हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है यहाँ पर वो इसके फ्रंट डिज़ाइन में है। डस्टर यहाँ पे बहुत सालों से हैं और कभी भी ये बहुत पुरानी नहीं लगती थी बाहर से, बड़ी ही रगेड, बड़ी ही सॉलिड गाड़ी लगती थी। और ये जो नए चेंजेस किए गए हैं इनके द्वारा मेरे ख्याल से फिर से एक बार काफ़ी फ्रेश लग रही है। अगर आप इसे इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो ये आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही है गाड़ी या फिर 2 जनरेशन पुरानी गाड़ी है। ये अभी भी काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी कंटेम्प्रेरी लगती है। लेकिन ये जो चेंजेस हैं ये सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है। यहाँ पर रेनो ने ये जो चेंजेस किए हैं, यहाँ पर जो BN कैप है यानी कि इंडिया का जो एनकैप है जहाँ पर आपको जो क्रैश वर्दीनेस होती है गाड़ी की उससे कंप्लाई करने के लिए जो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी होती है उसके लिए यहाँ पे बम्पर में कुछ चेंजेस किए गए हैं और बॉनेट को ऊपर ज़रा कर दिया गया है ताकि अब ये जो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी है उसके नॉर्म्स के साथ में भी कंप्लाई कर पाए। उसके अलावा अगर आप कॉस्मेटिक चेंजेस की बात करें तो ये जो नई ट्रिपल विंग ग्रिल है ये बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। यहाँ पर क्रोम का काफ़ी अच्छा प्रयोग किया गया है और मेरे ख्याल से काफ़ी क्लासिली किया गया है। यहाँ पर आपके पास ये 3 डायमेंशनल ब्लॉक्स हैं 3 लेवल्स में और उसके अलावा नीचे वाला जो पार्ट है ये भी क्रोम में काफ़ी खूबसूरत लगता है और बीच में बड़ा रेनो का एम्बलम भी बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। यहाँ पर बोनेट का डिज़ाइन भी ज़रा चेंज किया गया है, बोनेट की हाइट ज़रा बड़ी है और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो नए हेडलैम्प्स हैं ये भी मेरे ख्याल से काफ़ी टेस्टफुली, काफ़ी अच्छे से चेंज किए गए हैं। यहाँ अब आपके पास में ये LED DRL है, ये प्रोजेक्टर लैम्प जो है ये लो बीम है और ये हेलोजन रिफ्लेक्टर लैम्प जो है ये हाई बीम है, ये टर्न इंडिकेटर है और नीचे आपके पास में ये फॉग लैम्प्स हैं। यहाँ भी आपको क्रोम एलिमेंट मिलेगा और ये नीचे आपको एक स्किड प्लेट नज़र आएगी जो कि सिल्वर कलर की है और साथ में ये बम्पर का एक्सटेंशन आपको मिलेगा जो कि ग्रे कलर का है। ओवरऑल यहाँ पर जो एक 3D किस्म का लुक दिया गया है, जो अलग अलग तरह के सर्फेसेज हैं ये काफ़ी अच्छे से साथ मिलकर सामने आते हैं और सामने से ये गाड़ी काफ़ी मस्कुलर और काफ़ी प्रीमियम लगती है। मुझे ये नया डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया। चलिए अब इसे ज़रा साइड से देखते हैं और साइड से जो सबसे बड़ा बदलाव आपको नज़र आएगा वो है 16-inch एवरेस्ट 2-tone डायमंड कट अलॉयज और इनका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। ये 16-inch व्हील्स हैं और यहाँ पर टायर जो है ये 215 सेक्शन अपोलो का एप्टेरा टायर है। ये टॉप ऑफ द लाइन RX-Z वेरिएंट है और यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड ORVMs के साथ साथ ORVM माउंटेड ब्लिंकर्स भी मिलते हैं और ये आपको यहाँ पर ये स्की रेल मिलेगी डस्टर की ब्रांडिंग के साथ और ये भी इसका जो एक SUV वाला लुक है उसे उभार के सामने लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस जो है ये अगर आप देखने जाएंगे तो 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें से है। और अगर आप इसके ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट के साथ जाएंगे तो वहाँ पर आपको 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर अगर आप इसे साइड से देखेंगे तो इसके डिज़ाइन में कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है, वही अच्छा लंबा चौड़ा लुक है। ये गाड़ी काफ़ी बड़ी नज़र आती है और काफ़ी बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं ताकि अंदर एयर और लाइट आराम से जा सके और साथ ही आपको ये पीछे बड़ा
एक छोटा ग्लास पैनल मिलता है जिससे कि लाइट और भी ज़्यादा अच्छे से अंदर आए। अगर आप शिकायत की बात करना चाहते हैं तो ये जो डोर हैंडल्स हैं ये अभी भी पुल अप डोर हैंडल्स हैं, लेकिन इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ों के साथ रेनो ने जो कॉस्ट बचाई है उसका फ़ायदा आपको मिलता है। और इस सेगमेंट में जितनी भी दूसरी गाड़ियाँ हैं उनसे ये गाड़ी 2-3 लाख रुपया सस्ती है। हम उस पर आएंगे, परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे, लेकिन ये जो डोर हैंडल्स हैं ये यहाँ पर पुल अप हैं और ये नॉर्मल डोर हैंडल जैसे नहीं है। चलिए अब इसे ज़रा पीछे से देखते हैं। और पीछे यहाँ पर आपको ये डस्टर की ब्रांडिंग मिलती है ब्लैक प्लास्टिक के ऊपर। उसके अलावा टेल लाइट जो है ये पहले जैसी ही है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन ये जो नीचे वाला एरिया है ये ग्रे में ज़रा चेंज कर दिया गया है। अब अगर आप यहाँ पे हाईलाइट की बात करें तो ये बूट स्पेस यहाँ पर जो है ये डस्टर का हमेशा से ही एक बड़ा हाईलाइट रहा है। हालाँकि ये MG हेक्टर से ज़रा कम है जहाँ पर आपको 500 से भी ज़्यादा लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन ये फिर भी इस सेगमेंट के सबसे बड़े बूट स्पेसेस में से एक है। 475 लीटर्स का बूट स्पेस यहाँ पर आपको मिलता है जो कि एक बड़ी फैमिली को एक लंबे वीकेंड पर जाने के लिए सफिशियंट सामान ले जाने के लिए इजाज़त देता है। और मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है अगर आप एक गाड़ी अपनी फैमिली को साथ लेकर के जाने के लिए ख़रीद रहे हैं तो। और ये मेरे ख्याल से इस गाड़ी की एक विशेषता है, इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है और मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि ये गाड़ी उन चीज़ों पर फोकस करती है जो चीज़ें मैटर करती हैं। यहाँ पर आपको रेयर वॉश और वाइप मिलता है, ये डीमिस्टर मिलता है और साथ ही हाई माउंट स्टॉप लैंप भी मिलता है। यहाँ पर जो RXZ टॉप वेरिएंट है यहाँ पर आपको ये कैमरा भी मिलता है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये रेयर पार्किंग सेंसर्स भी नज़र आएंगे। ओवरऑल इस गाड़ी का डिज़ाइन भले ही आजकल की जो एकदम फ्रेश मॉडर्न कंटेम्प्रेरी कार्स हैं उनके जितना हाईटेक ना लगे, लेकिन ये एक काफ़ी परिपूर्ण गाड़ी है डिज़ाइन के मामले में। एक टूरिस्ट को ये गाड़ी अच्छी लगेगी और एक SUV का जो टेम्पलेट है उसे काफ़ी अच्छे से पूरा करती है आज भी। और ये एक काफ़ी लाइकेबल डिज़ाइन है, मुझे आज भी काफ़ी पसंद आता है। अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बदलाव हुए हैं। अंदर घुसने से पहले ज़रा इस चाबी को देख लीजिए, यहाँ पर आपको रेनो का लोगो मिलेगा एक तरफ और दूसरी तरफ लॉक और अनलॉक के बटन मिलेंगे। यहाँ पर आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं मिलेगा तो आपको इसे इस तरह से अनलॉक ही करना पड़ेगा। और अंदर घुसना काफ़ी आसान है, मेरे ख्याल से ये आइडियल से बहुत ज़रा ऊंची है तो आप में से जो एवरेज हाइट वाले लोग हैं उन्हें अंदर घुसने में किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब अपने सेगमेंट के लिए ये गाड़ी एक इकोनॉमिकल गाड़ी है तो यहाँ पे जो मटेरियल्स हैं ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें मिलेगी यहाँ पे आपको सब कुछ। और दूसरी गाड़ियों में इस सेगमेंट में जो ज़्यादा प्रीमियम सॉफ्ट टू टच मटेरियल मिलते हैं वो यहाँ पर शायद आपको ना देखने मिले। ये जो प्लास्टिक है यहाँ पर ये काफ़ी हार्ड है और इनफैक्ट ये जो आर्मरेस्ट है यहाँ पर भी आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, लेकिन अपहोल्स्ट्री जो है ये यहाँ पर चेंज की गई है, कलर चेंज किया गया है और साथ में आपको एक कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग भी मिलती है। डोर हैंडल का ट्रीटमेंट पहले जैसा ही है, यहाँ पर आपको बड़ी 1 लीटर बॉटल के लिए जगह मिलेगी और साथ में ड्राइवर साइड जो विंडो है यहाँ पर आपको ऑटो फंक्शन मिलेगा। इसके अलावा ये डोर पैनल पहले जैसा ही है। और चलिए अब इस गाड़ी को अंदर से देखते हैं। अब अगर अंदर से इस गाड़ी का आप लेआउट देखेंगे तो मोस्टली सारी चीज़ें आपको लगभग एक जैसी ही नज़र आएंगी, जैसी पहले थी वैसी ही है, लेकिन कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। ये स्टीयरिंग अब ज़रा और प्रीमियम लगता है, यहाँ पर ये देखने में ज़रा अलग है। ये जो आप एलिमेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं सैटिन सिल्वर, ये ज़रा अलग है तो ये ज़रा ज़्यादा प्रीमियम लगता है। पहले भी लेदर रैप्ड था, अभी भी लेदर रैप्ड है टॉप एंड वेरियंट के लिए। अगर आप इंस्ट्रूमेंट कॉन्सोल को यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पर फंक्शनैलिटी है वो पहले जैसी ही है, लेकिन ये जो फॉन्ट है ये अभी चेंज कर दिया गया है, थोड़ा रेसियर स्पॉटी फॉन्ट यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और ये जो राइट में MID है ये पहले जैसा ही है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन रिच है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, डिस्टेंस टू ड्राई, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। उसके अलावा ये जो आप सेंट्रल AC वेंट्स देख रहे हैं ये पहले राउंड थे और अब ये रेक्टेंगुलर हो गए हैं। इसके अलावा दो चीज़ें जो मुझे पहले बहुत पसंद थी वो यहाँ से हटा दी गई हैं। यहाँ बीच में पहले आपको एक ओपन क्रेविस मिलता था जहाँ आप कुछ भी सामान डाल सकते थे, वो यहाँ से हटा दिया गया है और मुझे वो काफ़ी प्रैक्टिकल लगता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पर नहीं है। और उसके अलावा ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पहले ओपन ही था, लेकिन इसके ऊपर अब एक लिड लगा दी गई है और ये कूल्ड है, तो यहाँ पर अगर आप कोई पेय पदार्थ डालेंगे तो वो कूल रहेगा। ये एक नया इंक्लूजन है, ये जो लिड आप देख रहे हैं। उसके अलावा ये जो एक इंसर्ट आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये भी कैबिन के अंदर नया डाला गया है। ये जो नीचे वाला ग्लव बॉक्स है ये एल्यूमिनेटेड है। और हालांकि आपको ये जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये शायद पहले जैसा ही लगे, लेकिन ये पहले से बेहतर है। यहाँ पर अब आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की फंक्शनैलिटी मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पर अब आपको आपके ड्राइविंग से संबंधित जानकारी मिलेगी कि आप किस तरह से गाड़ी चला रहे हैं और ये गियर शिफ्ट में आपको कितनी रेटिंग दे रहा है, आपके एंटिसिपेशन में कितनी रेटिंग दे रहा है, तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो ये जो फीचर है ये पहले वाले
इंफोटेनमेंट सिस्टम में नहीं था। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे तो आपको जो ऑडियो क्वालिटी है उसमें भी सुधार मिला है। पहले यहाँ पर सिर्फ 4 स्पीकर थे, लेकिन अब यहाँ पर 4 स्पीकर के साथ में 2 ट्वीटर्स भी हैं और ऑडियो क्वालिटी पहले से डेफिनेटली इंप्रूव हुई है। ये ऑडियो क्वालिटी ऑडियो फाइल लेवल की तो नहीं है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी साउंड नहीं चाहिए तो ये फटता नहीं है, सुनने में ठीक ठाक है। उसके अलावा कुछ और जगहों पर यहाँ पर क्रोम का उपयोग है, जैसा कि आप यहाँ पर ये जो हुड देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक क्रोम एलिमेंट मिलेगा और ये क्रोम एलिमेंट है। तो इन सब चीज़ों का उपयोग करके थोड़ा सा एक इसके इंटीरियर को उभारने की कोशिश की गई है, लेकिन ये इंटीरियर अभी भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न या बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगता है, और जो इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियाँ हैं उनके मुकाबले ज़रा पुराना और लो क्वालिटी का नज़र आएगा। यहाँ पर आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले वाले रिव्यू में भी बताया था, यहाँ पर अगर आप अपना कप कोई रखेंगे तो ये इससे फाउल करता है। यहाँ पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है और ये क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। यहाँ पर अब आपके पास में स्पीड वार्निंग आ गई है, जो कि एक नया रेगुलेशन है। सीट अपोल्स्ट्री जो है ये चेंज कर दी गई है। यहाँ पर ये एम्बॉसिंग भी मिलेगी अब आपको, जो पहले नहीं थी। और सीट्स सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल हैं, आपको इन्हें देखकर के ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा वेल कंट्रोल्ड सीट्स हैं, लेकिन ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं, लॉन्ग जर्नीज़ में काफ़ी कंफर्टेबल लगती हैं। तो ये यहाँ पर एक खासियत है। उसके अलावा जो लेआउट है चीज़ों का वैसा ही है जैसा पहले था। ये स्पेस पहले भी यहाँ पर अवेलेबल था, अभी भी है। और जो RVM है ये मैनुअल है, डे नाइट मिरर आपको मैनुअली चूज़ करना पड़ेगा। दोनों ही सनवाइज़र में यहाँ पर आपको टोल टिकट होल्डर मिलता है और इस तरफ आपको ये वैनिटी मिरर मिलता है, लेकिन इल्यूमिनेशन यहाँ नहीं मिलेगा। और ये जो सेंट्रल लाइट है ये भी काफ़ी बेसिक है। स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलता है। अब यहाँ पर हालांकि काफ़ी सारी सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड है, लेकिन रियर व्यू कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट जो है, ये 3 फीचर्स आपको केवल टॉप एंड वेरिएंट में ही मिलती हैं। उसके अलावा ये जो नया इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये अब पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है टच को लेकर के, और पहले यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन भी ज़रा कम मिलता था, तो उस लिहाज से यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया गया है। और साथ ही साथ आपको ये रियर व्यू कैमरा भी मिलता है विद गाइड लाइट्स, लेकिन बहुत ही ब्राइट कंडीशंस में इसकी लेजिबिलिटी, खास करके जो ड्राइवर का एंगल है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और आपको कभी कभी नज़र नहीं आता कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो दिन में जब ब्राइट सनलाइट हो बाहर तब इसकी लेजिबिलिटी एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर आपने अपना फ़ोन कनेक्ट कर रखा है और उसका वायर इसके ऊपर से जा रहा है तो वहाँ से भी इसका जो व्यू है वो ज़रा ऑब्स्ट्रक्ट होता है। सीट बेल्ट रिमाइंडर जो है अब अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स स्टैंडर्ड है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। और इस सब के अलावा यहाँ आपको ये एक USB सॉकेट मिलेगा, यहाँ से आप ये स्क्रीन बंद कर सकते हैं, और नीचे आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी मिलता है। ओवरऑल अगर आप इस स्पेस को देखें तो जैसे कि सेल्टॉस या फिर हेक्टर जो कि कनेक्टेड कार्स हैं, वहाँ पर जितनी सारी फ़ीचर्स हैं वो सारी फ़ीचर्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्विन एयरबैग्स, ABS विद EBD और एक सॉलिड स्टडी बॉडी मिलेगी स्टैंडर्ड सारे ही व्हीकल्स में। तो ये काफ़ी अच्छी, काफ़ी स्टडी कार है और काफ़ी सॉलिड फील होती है अंदर से। आपको ऐसा लगेगा कि आप काफ़ी भारी, काफ़ी सॉलिड, काफ़ी अच्छे से बनी हुई गाड़ी चला रहे हैं। और अगर आप ये जो विजुअल एलिमेंट है इसे छोड़ दें तो मेरे ख्याल से अभी भी काफ़ी प्रैक्टिकल है। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है वो काफ़ी इफेक्टिव है। यहाँ पर सीट बेल्ट्स भी आपकी एडजस्टेबल हैं, तो जो बेसिक चीज़ें आपको सारी चाहिए होती हैं वो यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन जो नई हाईटेक फीचर्स, जो इंटरनेट या कनेक्टेड फीचर्स आपको कुछ नई गाड़ियों में मिल रही हैं वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी। इसके अलावा ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट पहले भी था, अभी भी है, और ये लॉन्ग जर्नीज में काफ़ी यूज़फुल साबित होता है। अभी हम लोग पीछे चल के देखते हैं कि वहाँ पे आराम के क्या हाल है। यहाँ पर एक मिसिंग फीचर जो है वो ये है कि पीछे वाले डोर के अंदर किसी भी तरह का कोई बॉटल होल्डर नहीं है। ये मेरे ख्याल से होना बहुत ज़रूरी है और ये होना चाहिए था। हालांकि यहाँ बीच में आपको एक बॉटल होल्डर मिलता है, लेकिन ये मेरे ख्याल से सफिशिएंट नहीं है। पीछे AC वेंट्स नहीं है, लेकिन इसका AC काफ़ी पावरफुल है, तो आपको पीछे AC की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। बीच में सेंट्रल आर्मरेस्ट है, 2 कप होल्डर्स हैं, और जो नी रूम, हेड रूम और शोल्डर रूम है इस गाड़ी में, काफ़ी अच्छा खासा है। ये जो साइड वाले दोनों हेडरेस्ट हैं ये एडजस्टेबल हैं, लेकिन ये जो बीच वाला हेडरेस्ट है ये फिक्स है। और अगर आप इस सीट क्वालिटी की बात करें तो ये सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल है। शायद आपको ये देखने में काफ़ी बेसिक लगे, और इसका सस्पेंशन इस सेगमेंट का सबसे बेहतरीन सस्पेंशन है। डस्टर अपने सस्पेंशन के लिए शुरू से ही जानी गई है, और आज भी ये गाड़ी अपने सेगमेंट के सबसे बेहतरीन सस्पेंशन का दावा करती है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पर जा रहे हैं तो आपको तुरंत ये मालूम पड़ेगा कि ये गाड़ी जो है बहुत ही कंफर्टेबल है। ख़राब रास्ते हों, रफ अंडुलेटिंग रोड हो, या किसी भी तरह के ऊबड़ खाबड़ रास्ते हों, ये जो गाड़ी है इसका सस्पेंशन शुरू से ही इस सेगमेंट का बेंचमार्क रहा है, और आज भी इस सेगमेंट का सबसे बेहतरीन सस्पेंशन है। तो बैक सीट में कंफर्ट अच्छा है, स्पेस अच्छा है, हालांकि एमिनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ आपको
ये एक हैंडल मिलता है और ये बत्ती मिलती है, और इसके अलावा आपको और कोई बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं। ये सीट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स नहीं मिलेंगे, और अगर आप इसे गिराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 60-40 स्प्लिट भी नहीं मिलता है, आपको इसे पूरी सीट को ही नीचे गिराना होगा। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर आपको पीछे की ओर एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है, और ये एक ही पावर आउटलेट है यहाँ पर, ये पावर आउटलेट दूसरी तरफ नहीं है और न ही यहाँ पर कोई और पावर आउटलेट आपको मिलेगा। तो ओवरऑल बहुत ही स्पेशियस लगती है गाड़ी, लाइट बहुत अच्छे से अंदर आती है, काफ़ी एयरी केबिन है, लेकिन यहाँ पर अगर आप एमिनिटीज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, हालांकि कंफर्ट के मामले में ये गाड़ी किसी भी गाड़ी से कम नहीं है। अब इस गाड़ी के इंजन्स और ट्रांसमिशंस के बारे में कुछ भी नया नहीं है, और इनके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। यहाँ पर आपके पास एक पेट्रोल इंजन है 1.5 लीटर का, जहाँ पर आपको 106 पीएस की पावर और 142 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क मिलती है, और दो डीजल इंजन हैं, दोनों ही 1.5 लीटर हैं, एक 85 पीएस 200 न्यूटन मीटर्स और दूसरा है 110 पीएस 250 न्यूटन मीटर्स। और जो डीजल है वहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल और एएमटी ऑप्शंस मिलते हैं, और जो 85 पीएस है वहाँ पर आपको सिर्फ 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। हम आज चला रहे हैं 110 पीएस का मैनुअल ट्रांसमिशन, और ये जो गाड़ी है ये अपनी हैंडलिंग के लिए जानी जाती है, बहुत ही कार लाइक हैंडलिंग है इसकी, इसका रिफाइनमेंट भी काफ़ी अच्छा है इंजन का, और अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा अच्छी राइड क्वालिटी होने का भी ये दम भरती है। इसके अलावा अगर आप इसकी फ्यूल एफिशिएंसी देखें तो वो भी काफ़ी अच्छी है, एयर है सर्टिफाइड 17 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसे एक हल्के राइट फुट के साथ चलाते हैं तो आपको लगभग 17-18 किलोमीटर पर लीटर का फ्यूल एफिशिएंसी रियल वर्ल्ड में भी मिल जाता है, और सिटी में आपको लगभग 12-13 किलोमीटर पर लीटर का फ्यूल एफिशिएंसी मिलता है। गियर शिफ्ट जो है मैनुअल यहाँ पर मेरे ख्याल से ज़रा और बेहतर हो सकते थे, हालांकि काफ़ी स्मूथ है, लेकिन ये स्मूदेस्ट गियरबॉक्स नहीं है। और इंजन जो है यहाँ पर 110 पीएस वाला, ये कुछ ऐसा है कि आपको एक हल्का पुल मेरे ख्याल से 1100 आरपीएम से मिलना शुरू होता है, 1400-1500 आरपीएम के पास में ये जो पुल है ज़रा इम्प्रूव होता है, लेकिन जो प्रॉपर स्पूलिंग अप है टर्बो की वो 1800 आरपीएम के आसपास शुरू होती है, और 200 पर आपको एक हल्का माइल्ड किक मिलता है जिसके आगे आपको काफ़ी तेज़ काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन मिलता है। ये इंजन काफ़ी केपेबल है, बहुत सारी गाड़ियों में इसने सर्विस दी है और ये काफ़ी रिलायबल भी है। तो फ्यूल एफिशिएंसी हो, पावर हो, परफॉर्मेंस हो, किसी भी तरह का पैरामीटर आप देख लें, हालांकि एक माइल्ड टर्बो लैग यहाँ पर है लेकिन वो कोई अनॉइंग नहीं है, और उससे अगर आप मास्क करना चाहते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसका एएमटी वेरिएंट ले लें, क्योंकि वो आपको सिटी में भी काफ़ी आरामदायक लगेगा। तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। 85 पीएस वाला जो इंजन है वो ज़्यादा लीनियर है, 110 पीएस वाला जो वेरिएंट है वहाँ पर एक बहुत माइल्ड टर्बो लैग आपको महसूस होता है, लेकिन ये सारे जो इंजन हैं ये काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हैं और काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं ऑन करने के लिए। तो अगर आपको एक ऐसी डीजल गाड़ी चाहिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा खर्चा ना करवाए, तो ये जो सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर डीजल के खास करके, ये बहुत ही अच्छे हैं और अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सस्ते हैं। पेट्रोल इंजन जो है वहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये जो गाड़ी है इसकी खासियत है इसकी राइड क्वालिटी, इसका कार लाइक हैंडलिंग, इसका बहुत ही मिनिमल बॉडी रोल, और जब आप इसे चलाएंगे तो मेरे ख्याल से अगर आप एक एंथुसियास्ट भी हैं, इसे गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, तो उस पैरामीटर पर भी ये गाड़ी इस सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ियां हैं उनसे ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर आपको हैंडलिंग ज़्यादा बेहतर मिलती है, यहाँ पर आपको एक ड्राइविंग फन जो है वो ज़्यादा बेहतर मिलता है, और राइड क्वालिटी तो इस गाड़ी की बेहतरीन है ही। तो अगर आप एक ड्राइविंग पैकेज भी चाह रहे हैं तो ये जो डस्टर है ये मेरे ख्याल से इस सेगमेंट की सबसे अच्छी गाड़ियों में से एक है। डीजल वेरियंट्स में काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है, और अनलेस आपको बहुत सारे फीचर्स या एमिनिटीज़ चाहिए तो ये गाड़ी जो है ये अभी भी पिक ऑफ द लॉट है, इस सेगमेंट की सबसे अच्छी गाड़ियों में से एक है। तो दोस्तों इन सारी ही चीज़ों का आकलन करने के बाद में हम लोग आ जाते हैं इस गाड़ी की सबसे बड़ी विशेषता पर, जो है इसकी कीमत। और इतनी बड़ी गाड़ी के लिए और इस तरह की ट्राइड एंड टेस्टेड गाड़ी के लिए, जो कि अपना सिक्का इस बाज़ार में पहले जमा चुकी है, जिसने अपनी उपयोगिता साबित कर रखी है, जिसने अपनी रिलायबिलिटी साबित कर रखी है, जिसने अपनी रीसेल वैल्यू साबित कर रखी है, और जिसने ये साबित कर रखा है कि इसके पुर्जे ख़राब नहीं होते हैं, ये बहुत ही रगेड गाड़ी है, इस तरह की गाड़ी के लिए इस गाड़ी की कीमत मेरे ख्याल से बहुत ही रीज़नेबल है। अगर आप इस गाड़ी का पेट्रोल वेरियंट देखने जाएंगे तो आपको उसकी कीमत 8-10 लाख रुपये के बीच में पड़ेगी, जो कि मेरे ख्याल से इतनी बड़ी गाड़ी के लिए बहुत ही रीज़नेबल है। इनफैक्ट अगर आप डीजल गाड़ी को भी देखने जाएंगे तो वहाँ पर इस गाड़ी की कीमत 9.3 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम से शुरू होती है, और इसकी कीमत जाती है 12.5 लाख रुपीस तक, जो कि मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में इनकंपेरेबल है, और कोई भी गाड़ी इस तरह की कीमत में आपको नहीं मिलेगी। 12.5 लाख रुपीस में आप चाहे तो जो इसका एएमटी वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन आरएक्स जेड वेरिएंट, वो ले लें,
या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन हो, मेरे ख्याल से 12.5 लाख रुपीज़ में एक ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी मिलना भी बहुत बड़ी बात है। अगर इसका आप क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर देखें तो केवल निसान किक्स ही इसके आसपास आता है, और वो भी स्पेक टू स्पेक कम से कम 1.5 लाख रुपए इससे ज़्यादा है। और दूसरी गाड़ियों की तो आप बात ही छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पर जो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। दूसरी गाड़ियाँ 12-13 लाख रुपए से शुरू होकर के 20 लाख रुपए तक जाती हैं, और उन गाड़ियों का इससे कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अगर आपको एक नो नॉनसेंस फर्स्ट फ्री गाड़ी चाहिए जो कि बहुत ही बेहतरीन हो कंफर्ट के मामले में, राइड क्वालिटी के मामले में, ड्राइव फील के मामले में, और आपको ज़्यादा परेशान ना करे, तो ये मौका है, क्योंकि इस गाड़ी का BS6 वेरिएंट अभी तक नहीं आया है। कुछ ही दिनों में इस गाड़ी का प्रोडक्शन जो है मेरे ख्याल से बंद करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये गाड़ी बहुत ही अच्छी कीमत पे मिल रही है। BS6 गाड़ी आएगी या नहीं, इस बारे में रेनो ने हमको अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन फिलहाल ये बहुत ही अच्छी कीमतों पर उपलब्ध है। और अगर आपको एक नो नॉनसेंस खास करके डीजल गाड़ी चाहिए, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप इस मौके का फ़ायदा उठाएँ और ये बेहतरीन जो गाड़ी है इसे ख़रीदें, क्योंकि मेरे ख्याल से ये पुराने सेंस में बड़ी ही रगेड, बड़ी ही प्रैक्टिकल और बड़ी ही कंफर्टेबल गाड़ी है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको इस गाड़ी के बारे में वो सारी चीज़ें बता पाया जो आप जानना चाहते थे, खास करके जो नया मॉडल है इसके बारे में। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि हर एक सवाल का जवाब दूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मोटोराइड्स को, वो बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ भी हमें ज़रूर फॉलो करें। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ।